अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने विंटर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग के कुछ मज़ीद आइडियाज़, और ताकि आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकें। मैंने बहुत ईजी सी डिज़ाइनिंग कराई है अपने विंटर ड्रेसेस पर, जो कि आप लोग आराम से टेलर को दिखा कर करवा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अपना ड्रेस नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं हम अपना ड्रेस नंबर 1। ये वाला जो ड्रेस है, ये निशात की लीलन कलेक्शन का सूट है। 3 पीस ये सूट है, और इसका कंट्रास्ट में दुपट्टा है। रेड कलर का इसका दुपट्टा है, और नेवी ब्लू कलर का इसका शर्ट एंड ट्राउज़र है। सबसे पहले हम देखते हैं शर्ट की डिटेल वीडियो। अच्छा, ये जो शर्ट थी, इसके साथ कोई बॉर्डर का कपड़ा था, बट वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था। लाइक ये इसका बॉर्डर है, ये भी इसका बॉर्डर लगा हुआ है। तो फिर मैंने किया यूँ कि जो इसका दुपट्टा था, उस तरह का मैंने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया, ताकि मैं इसकी शर्ट पर डिज़ाइनिंग करा सकूँ। तो दुपट्टे का इसका था रेड कपड़ा, मैंने वो कपड़ा लिया। फिर मैंने इसकी शर्ट, तकरीबन ये बोट शेप में बनी हुई है शर्ट की नेक लाइन, ये देखें। और फिर उसके बाद इसके फ्रंट पर ये गोटा की लेस मिल जाती है, इसको गोटी की लेस कहते हैं। ये वाली मैंने लगवाई। फिर वही वाला जो दुपट्टे वाला कपड़ा था रेड कलर का, वो उसकी पट्टी लगवाई, अगेन वो लेस लगवाई, और दरमियान में बनी हुई है डबल स्लिट। इस तरह से इसकी जो नेकलाइन है, वो बहुत कूल लगती है। आप लोग इसको प्लेन पर भी इस तरह बनवा सकते हैं, और प्रिंटेड पर कंट्रास्ट में जैसे ये बना हुआ है, इस तरह से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। इसके जो स्लीव्स हैं, वो हैं उनके आगे यहाँ पर चुनट डले हुए हैं, दरमियान में कफ वाले इसके स्लीव्स हैं, दरमियान में इसके ऐसे चुनट डले हुए हैं, और साथ बिल्कुल उस साइज़ का आपने कफ रखवाना है जो कि आपकी कलाई का साइज़ है, यानी जो आपके बाजू का साइज़ है। साइड पर इस तरह से इसके बटन्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और कफ जो हैं इसके बिल्कुल उतने से हैं जितना हमारी कलाई का साइज़ है, क्योंकि फिर ये पहने हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये वाले स्लीव्स मुझे अपने विंटर्स के स्लीव्स में सबसे ज़्यादा पसंद हैं। रेड कलर्स के इस पे बटन लगे हुए हैं। बाकी जो शर्ट है वो सिंपल है, स्ट्रेट कुर्ता स्टाइल में। अब आ जाते हैं हम इसके घेरे की तरफ। घेरे पर भी मैंने वही कपड़ा जो कि दुपट्टे वाला एक्स्ट्रा बाय किया था, उसी की पाइपिंग करा ली है यहाँ पर, तो ये ज़रा ज़्यादा कूल लगती है। ये हो गई हमारी शर्ट की डिटेल वीडियो। अब हम चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। इसका जो ट्राउज़र है, वो प्लेन डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र है, यानी कि नेवी ब्लू से भी कुछ डार्क ब्लैकिश टोन है। ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है। बॉटम वाली साइड पर ऐसे प्लेट्स चले हुए हैं, 1 2 3, थोड़ा सा गैप, 1 2 3, 3 3 प्लेट्स के 2 सेट हैं इसके ऊपर। और उसके अलावा बाकी सिंपल ट्राउज़र है। मैंने इसके ऊपर कोई कपड़ा शपड़ा नहीं लगवाया शर्ट के साथ का, क्योंकि फिर हम इसको किसी और के साथ भी पहन सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा आ जाता है दुपट्टा। दुपट्टा इसका है रेड कलर का, बहुत कूल सा इसका कलर है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस सूट की ड्रेस भी इस दुपट्टे की वजह से है, इसीलिए मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बाय किया था, और फिर मैंने इसको अटैच कराया था इसके शर्ट पर। तो ये तो हो गया हमारा ड्रेस नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी तो गाइस, ये वाली जो शर्ट है, ये है हमारे पास लाइमलाइट की शर्ट है। इसके साथ आप कोई भी स्किन कलर का या फिर ट्राउज़र पहन सकते हैं, या पैंट के साथ इसको पहन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शर्ट की डिटेल वीडियो। ये बहुत मल्टी कलर की ब्राइट सी शर्ट है, ब्राइट इसके कलर्स हैं। नेक लाइन जो है इसकी, वो बोट शेप में है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, आप लोग देख सकते हैं। बहुत कूल कलर्स लगते हैं इसकी। ये ए लाइन फ्रॉक बना हुआ है, इसके टॉप पर फ्रंट साइड पर इस तरह से पूरी पट्टी लगी हुई है ऑरेंज कलर की प्लेन, और उसके ऊपर इस तरह के सिंपल बटन्स हैं, बिल्कुल सिंपल से। आप लोग देखें, ये बिल्कुल सिंपल बटन्स हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। और ये बिल्कुल हम लोगों ने शर्ट के फ्रंट पर लगाए हुए हैं, उस पट्टी के पूरे के ऊपर।
बिल्कुल सिंपल चीज़ों से बहुत मज़े की डिज़ाइनिंग हो जाती है। जिस तरह से ये हुई हुई है, ये ए लाइन शर्ट है, खुला सा फ्रॉक बना हुआ है, उसके ऊपर ये पूरी पट्टी लगी हुई है, बाकी जो बॉटम यानी कि घेरा है इसका वो बिल्कुल सिंपली ऐसे स्टिच हुआ हुआ है। और अब हम आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स इसके थे प्लेन ऑरेंज कलर के। इन ऑरेंज कलर के स्लीव्स के ऊपर हम लोगों ने इसके बॉर्डर वाला कपड़ा आगे अटैच करा लिया है। बाकी स्लीव्स बिल्कुल सिंपल रखे हैं, आगे से भी सिंपल हैं स्लीव्स। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड शर्ट की तरफ। ये वाली जो शर्ट है ये किसी भी ब्लैक कलर की पैंट के साथ या फिर ब्लैक कलर के ट्राउज़र के साथ आप लोग पहन सकते हैं। ये निशात की शर्ट है और इसके कलर्स काफ़ी डार्क हैं। पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये देखें ये डबल शर्ट है, लाइक आधी साइड एक तरह से प्रिंट हुई हुई है, आधी एक तरह से प्रिंट हुई हुई है। फिर मैंने टेलर से कहा कि ये मिड से स्टिच हो ताकि एक साइड एक तरह से लगी, एक साइड एक तरह से हो और बैक साइड भी इसकी इसी तरह से है। शर्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट कुर्ता शेप में शर्ट है। इसकी जो नेक लाइन है वो बोट शेप है, ये देखें, और नेक लाइन के आगे ये डोरी लगाई हुई है। डोरी पर मैंने टेलर से कहकर ये वाली छोटे छोटे लूप होल्स लगवा लिए थे, या इनको लूप्स कहते हैं। ये टसल मैंने इसके साथ खुद अटैच किया हुआ है और ये बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ। ये तो हो गई इसकी डोरी। अब हम देखते हैं इसके स्लीव्स। स्लीव्स इसके बहुत डिसेंट लगते हैं सर्दियों में पहने हुए। स्लीव्स पर यहाँ पर इस तरह से चुनट्स डले हुए हैं, ये देखें, और फिर उसके आगे ये लगा हुआ है कफ, ये देखें, ये है कफ, और कफ के साइड्स पर हैं चार चार बटन्स, 1 2 3 4। ये बहुत डिसेंट लगता है, इस तरह से इसके स्लीव्स हैं। ये देखें, जो शर्ट का एक साइड वाला कपड़ा था उसको मैंने स्लीव्स की बैक साइड पर रखा है, और कफ जो है वो दूसरे वाले कपड़े के बनवा लिए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, सेकेंड स्लीव भी सेम इसी तरह का है। अब हम आते हैं इसके घेरे की तरफ। इसका जो घेरा है उसके अंदर गोल्डन कलर की ये एक मिलती है लेस टाइप, इसको डोरी कहते हैं, वो वाली डोरी लगवाई है, और उस डोरी के साथ इसके अंदर इनर पट्टी लगी हुई है, यानी इनर पट्टी के अंदर रख कर टेलर ने ये डोरी लगाई है, जिसकी वजह से ये बहुत नीट लगती है लगी हुई। ये इसके घेरे पर भी लगी हुई है और ये इसके चॉक्स पर भी, यहाँ पर भी अटैच कराई हुई है। तो ये शर्ट पहनी हुई बहुत डिसेंट लगती है, ब्लैक कलर के या स्किन कलर के दुपट्टे के साथ आप इसको पहन सकते हैं, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास इस कलर की भी शॉल है, ये पर्पलिश सा जो कलर है, मैं अक्सर इसको इस शॉल के साथ पहनती हूँ। तो ये दोनों शर्ट्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने ड्रेस नंबर 3 की तरफ। ये वाला जो ड्रेस है ये एक्चुअली में प्रिंट है लाइमलाइट का, रेडी टू वेयर है, बट इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की है कि मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग। इसकी नेकलाइन आप इजीली खुद भी बनवा सकते हैं। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी नेकलाइन। इसकी जो नेकलाइन है उस पर इस तरह से बैन लगा हुआ है, और बैन थोड़ा राउंड शेप में लगा हुआ है, लाइक बिल्कुल बैन की तरह ये नहीं लगा हुआ, आप इस तरह से लगवा सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ये बैन, क्योंकि कुछ लोग बैन नहीं पहनते, तो अगर आप इस तरह का लगवाएं तो ईजीली वेयर कर सकते हैं। आगे इसकी ऐसे पट्टी लगी हुई है स्लिट की तरह, उसके ऊपर ये प्यारे प्यारे से टसल्स लगे हुए हैं सेम कलर की, आप इनको कंट्रास्ट में भी लगा सकते हैं अगर आपको सेम नहीं मिले। ऊपर एक छोटा छोटा सा मोती लगा हुआ है, पर्ल लगा हुआ है इसके साथ, आप ऐसी नेकलाइन इजीली टेलर से बनवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके स्लीव्स। इसके जो स्लीव्स हैं उन पर पहले दो प्लेट्स डले हुए हैं, दरमियान में एक ये बहुत ही प्यारी सी लेस लगी हुई है, फिर अगेन दो प्लेट्स हैं और फिर ये वाली लेस है, ठीक हो गया। इस तरह से इसके बने हुए हैं स्लीव्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्लीव की तरफ, वो भी सेम इसी तरह का है। पहले दो प्लेट्स, फिर दरमियान में लेस, फिर दो प्लेट्स, फिर आखिर में एक छोटी सी क्यूट सी लेस। बाकी इसके ऊपर इस तरह से कढ़ाई हुई हुई है, ये तो प्रिंट वेयर है, कढ़ाई भी आप करा सकते हैं प्लेन खद्दर लेके या प्लेन कॉटन लेके, इट्स अप टू यू, बट मैंने मेनली आपके साथ इसकी
जो है नेकलाइन उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी और इसके स्लीव्स की डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी। बाकी इसके साथ सिंपल वुलन शॉल है और ये अभी न्यू ड्रेस है, मैंने अभी वेयर नहीं किया बट ये पहना हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो हो गया हमारा ड्रेस नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। जी तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने लास्ट ड्रेस की तरफ, यानी कि ड्रेस नंबर 4। ये वाला जो ड्रेस है ये ईडन रॉब की खदर की कलेक्शन है, आर्मी ग्रीन कलर है, बहुत कूल सा इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शर्ट की डिटेल्ड वीडियो। इसकी जो शर्ट है उसकी सबसे पहले आप देखिए नेकलाइन जो है इसकी वो बोर्ड शेप में है, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, और नेकलाइन के ऊपर इसके पाइपिंग हुई हुई है ट्राउज़र वाले कपड़े की। आगे इसकी इस तरह से डबल स्लिट बनी हुई है, ये देखें, और स्लिट के दरमियान में तीन तीन पर्ल्स का सेट लगाया हुआ है, 3 बार, 1, 2 एंड 3। उसके बाद इसकी जो नेकलाइन है उसके ऊपर स्टार्ट पर डोरी अटैच कराई हुई है और डोरी के अंदर ये पिंक कलर के तीन तीन लूप्स हैं दोनों डोरियों पर। नेक्स्ट आप देखें इसके जो हैं स्लीव्स इसके हैं बिल्कुल सिंपल, काफ़ी खुले रखे हुए हैं आगे से, और स्लीव्स के आगे ये सिल्वर कलर की एक डोरी अटैच कराई है इनर साइड पर, और उसके साथ ये वाली पट्टी लगवाई हुई है। ये बहुत प्यारी लगती है डोरी लगी हुई, ये देखें। अब हम चलते हैं इसके घेरे की तरफ। घेरे पर भी बिल्कुल उसी तरह और चॉक्स पर भी उसी तरह से हमने डोरी लगवाई है इनर साइड पर। डोरी को हमेशा आपने पट्टी के दरमियान में लगवाना है, लाइक पहले पट्टी फिर उसके बाद ये वाली डोरी, ठीक है, आपने ऊपर रख के नहीं लगवाना। ये बहुत अच्छी लगती है, ये थोड़ी नज़र नहीं आ रही, मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब हम चलते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र जो है इसका वो सिंपल प्लेन आर्मी ग्रीन कलर का था मोनोटोन में। ट्राउज़र के ऊपर मैंने सिर्फ बॉटम वाली साइड पर 3 प्लेट्स डलवाए हैं, फिर यहाँ पर ये वाली एक लेस है, इसको हम आमतौर पे कहते हैं कनेक्टिंग लेस या फिर सीढ़ी लेस, ये लगी हुई है ब्लैक कलर में। उसके बाद फिर 3 प्लेट्स हैं और बाकी ट्राउज़र के नीचे तरपाई हुई हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका दुपट्टा। इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा सा मल्टी कलर का दुपट्टा है, ब्लैक शॉकिंग पिंक एंड वाइट कलर इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। दुपट्टा इसका बहुत कूल लगा था मुझे, जिसकी वजह से मैंने मेनली ये ड्रेस बाय किया था। तो ये हो गया हमारा लास्ट ड्रेस कंप्लीट। जी तो गाइस, आपको मेरे विंटर ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग की मैंने आपके साथ 3 वीडियोस शेयर की टोटल, आपको ये सारी वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मैं आपके साथ अपनी कैम्ब्रिक की कलेक्शन शेयर करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, खुश रहें, बाकियों को भी खुश रखें। Take care, stay blessed, Allah Hafiz.